देखिए गाइस, आज चिकन सीख बिरयानी बना रही हूँ मैं, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो ये देखिए, ये 1 किलो चिकन ली हूँ मैंने, ये चिकन का खीमा है बारीक एकदम। देखिए ये 1 किलो खीमा ले ली हूँ मैंने, और इसके अंदर जाएंगे हमारे सूखे मसाले। ये सीख मसाला है, ये 2 चम्मच, ये चम्मच से 2 चम्मच ली हूँ मैंने सीख मसाला। नमक ली हूँ आपके अपने टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पे चाट मसाला ली हूँ 5 चम्मच, 5 चम्मच ली हूँ वाइट पेपर पाउडर, और काली मिर्च पाउडर भी 5 चम्मच ली हूँ, ये भी जाएगा गाइस इसमें। इसमें लाए और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ये है मलाई फ्रेश क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम ली हूँ गाइस। ये देखिए, ये भी इसमें जाएगा, और इसमें जाएगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए गाइस, इसमें 1 किलो है तो वो अपने हिसाब से जाएगा गाइस सब मसाले। ये देखिए, ये डाल दी हूँ मैंने 2 चम्मच, और यहाँ पे जाएगा हरी मिर्ची का पेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना गाइस हरी मिर्ची का पेस्ट। ये 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा, ये देखिए बस, आधा नींबू जाएगा गाइस। ये देखिए बड़ा नींबू है ये, ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। देखिए सीख टूटेंगी भी नहीं है ना गाइस, इसमें आप उन नरम पाव भिगा के भी डाल सकते हैं, ब्रेड भिगा के भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी कोथमीर भी डालूंगी गाइस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, इसमें जाएगा 1 डोंगा तेल डालूंगी मैं। देखिए 1 डोंगा और थोड़ा, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम कोयले का भाप देंगे। कोयला गरम करने रखी थी, कोयला गरम हो चुका है हमारा। हाँ। अब इसको कोयले का भाप दे देंगे। ओके गाइस, ये हमारा कोयला गरम हो चुका है, इसके ऊपर डाल देंगे हम मस्का। हम भाप के रखेंगे 10 से 15 मिनट, फिर आगे मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए गाइस, हमारा चिकन अच्छे से हो चुका है, चिकन सीख कबाब का मसाला। ये देखिए गाइस, इसको मैं पेंसिल की मदद से सीख बनाऊंगी। आपके पास सीख का भी आता है गाइस, आपके पास रहेगा तो आप उससे भी बना सकते हैं, है ना। ये देखिए गाइस, चटनी सीख है ना, टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन भी रख चुकी हूँ, फटाफट सीख बना लेंगे, फिर इसको शेलो फ्राई करेंगे, शेलो कम तेल में, ज्यादा तेल में नहीं करेंगे इसको फ्राई।
छोटी छोटी ही बनानी है, अपने को ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है गाइस। फिर बड़ी बनाएंगे तो फिर ये बिरयानी में डालने के टाइम इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसको काट के पीस बनाना पड़ेंगे छोटे छोटे, इसलिए अपन यही साइज के बनाएंगे या इससे छोटी भी, अपने ऊपर है ना। और गरम भी क्या हो रहा है ना खूब। बस एक मुट्ठी में आना चाहिए, ये देखिए एक मुट्ठी चाहिए है ना, देखिए कितने बेहतरीन बन रहे हैं ना। सब ऐसे ही बना लेंगे, आपको जो साइज के बनाने हैं बनाना, आपकी मर्जी। ये देखो गाइस, चलिए सब बना लेती हूँ मैं, फिर फ्राई के टाइम पे आपसे। देखिए गाइस हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है अच्छी तरह से, तेल भी हो गया है, अब ये एक एक करके हम लोग सीक छोड़ेंगे गाइस। ये देखिए छेलो फ्राई करना है इसको, तीन बड़े चम्मच तेल डाली मैंने गाइस इसमें। आगे पीछे से इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, इसको पलटना नहीं है। देखिए गाइस आगे पीछे से सब ऐसी फ्राई करना है अपने को स्लो पे। ये देखिए गाइस ऐसे फ्राई करके ले लेना है अपने को है ना। सब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, फिर आपसे मिलती हूँ मैं मसाला बनाने के टाइम। ये चावल में उबालने के टाइम पे ये डालने हैं गरम मसाले खड़े। साजी रख रही हूँ मैंने थोड़ा, 5-6 काली मिरी, 5-6 लौंग, एक बड़ा फूल और दालचीनी के टुकड़े। पानी बॉईल हो रहा है गाइस, गरम होने रखी हूँ मैंने, इसमें आधा नींबू डाली हो और ये खड़े मसाले डाल देंगे। दो डोंगे, 2-3 डोंगे इसमें तेल डालूंगी मैं गाइस। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, जितने आप चावल ले रहे हैं वो हिसाब से आप नमक डालना गाइस है ना। चलिए हमारा पानी बॉईल होगा, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के गाइस। ये हमारे मसाला, ये की प्याज है, 4 बड़ी साइज की प्याज ली हूँ मैंने। ये देखिए 4 प्याज है ये, और यहाँ पे वही फ्राई पैन में जिसमें हमने कबाब सीख डाले थे, ये इसमें ही ये प्याज डाल दूंगी। इसमें 5 बड़े चम्मच तेल डाली हूँ गाइस मैंने, और प्याज को हल्का नरम करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है ना गाइस। चलिए जब तक हमारी प्याज नरम हो रही है फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। देखिए गाइस हमारा पानी बॉईल हो गया था, इसमें मैंने चावल धो के छोड़ दी हूँ। ये देखिए 90% अपने को पकाना है चावल, बस 10% ही अपने को बाकी रखना है, क्योंकि अपना सब मसाला पक जाएगा है ना गाइस। यहाँ पे हमारी प्याज भी हो गई है गाइस, ये देखिए और यहाँ पे हमारे खड़े मसाले हैं। साजी रख ली हूँ मैंने आधा चम्मच, 2 ये फूल ली हूँ और 5-6 है काली मिरी है, 6 लौंग है, 1 हरी इलायची है, 2 हरी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 ये फूल है छोटा सा।
ये डाल देंगे और इसमें जाएगा गाइस ये हमारा हरा मसाला, हरी मिर्ची का पेस्ट है। ये आपके टेस्ट के हिसाब से लेना, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं वो हिसाब से लेना गाइस। हरी मिर्ची और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ मैंने 2 बड़े चम्मच, ये भी डाल देंगे इसमें। ये अच्छे से भूनेंगे फिर इसके अंदर दही जाएगा गाइस। दो सौ ग्राम दही डालूंगी मैं इसमें। देखिए गाइस इसमें काली मिर्ची डालूंगी मैं पाव चम्मच ली हूँ मैंने व्हाइट पेपर पाउडर, और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि नमक इसमें भी है, कबाब अपने सीख में भी नमक है और चावल में भी नमक है, तो वही हिसाब से डालना। ये डाल देंगे गाइस और इसमें डाल देंगे गाइस गैस स्लो रख के इसमें डाल देंगे दही। ये डब्बे से 2 डब्बे है दही, ये 100 ग्राम का एक डब्बा है, 2 डब्बे डालू। ये अच्छे से पक जाएगा फिर इसमें अमूल फ्रेश क्रीम जाएगा। स्लो पे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए गाइस ये 10-20 बादाम है, 20 काजू, इसको दूध में भिगा के इसका दूध डाल के इसका पेस्ट बनाना है अपने को। ये देखिए अच्छा इसका पेस्ट बनाना है। और ये हमारा यहाँ पे मसाला भी पक चुका है गाइस, ये देखिए इतना बेहतरीन दिख रहा है ना। अपने को काजू बादाम पीस के इसमें लास्ट में डालना है क्योंकि वो जल्दी लग जाता है। अभी डालेंगे इसमें हम अमूल फ्रेश क्रीम। ये देखिए गाइस इसको स्लो पे डाल के अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए डाल देंगे इसमें जितना भी है, एक पूरा एक डब्बा डाली हूँ मैंने गाइस। क्रीम की बिरयानी बन रही है तो क्रीम तो होना ही चाहिए ना, है ना। चिकन सिक क्रीम बिरयानी है ना। और इसमें डाल देंगे गाइस काजू बादाम का पेस्ट। इसमें अब इसको 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे फिर इसमें सीक डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे, है ना गाइस। चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। देखिए गाइस हमारा मसाला पक गया है अच्छी तरह से, सीख बिरयानी का वाइट सीख बिरयानी क्रीम। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके सीख छोड़ेंगे गाइस इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
और इसको खाली मिलाएंगे और दम पे लगाएंगे गाइस, है ना। इसकी थर एक ही लगेंगी गाइस, इसको नीचे नहीं लगाएंगे, ये मसाला बीच में थर लगाएंगे बस। चलिए आप दम पे लगा के टाइम आपसे मिलती हूँ। देखिए गाइस, ये इसमें ना मैंने बिरिस्ता बनाई थी, फ्राई बिरिस्ता बनाई थी, वही तेल है इसमें थोड़ा, और अभी इसमें मैं डालूंगी। पहले भगोने में थोड़ा तेल लगाना है, अब इसमें डालेंगे हम चावल। अपन ने जो राइस उबाल के रखे है गाइस वो जाएगा इसमें। पहले थोड़ी राइस डालेंगे नीचे, ताकि रखे हो जाएगा इसके अंदर। पहले थोड़ा ऑयल डालूंगी, ये हमारा चिकन चीज, मलाई चिकन का मसाला जाएगा, और ये हमारी सी। बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है गाइस, इसको अच्छे से फैलाना है देखो। और इस पे डालेंगे हम थोड़ा पिस्ता, और इसके ऊपर और हम डालेंगे अभी राइस। इसमें कलर कुछ भी नहीं जाएगा, अगर आपको पसंद है कलर डालना तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ये पिस्ता डाल देंगे ऊपर से, और ये जो हमने सीख रखे है ये डाल देंगे। अगर आपको सीख बड़ी लग रही है तो आप इसके पीस करके डाल सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ना। देखिए गाइस, आप भी हमारी स्टाइल में ज़रूर बनाना मलाई सीख बिरयानी संडे स्पेशल। अब इसको लगा देंगे हम दम, अब दम पे लगाए बाद आपसे मिलते हैं गाइस। देखिए गाइस, हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। देखिए देखिए गाइस, ये देखिए दिख रही है ना क्रीम। चलिए अभी सर्व करके आपसे को बताती हूँ गाइस। हमारी मलाई चिकन सिख बिरयानी रेडी है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन दिख रही है ना। आइए सब हमारे साथ खाना खाने, चिकन सिख बिरयानी के मज़े लेने गाइस। आज संडे स्पेशल बिरयानी है ना। हमारी रेसिपी को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो गाइस, और सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलती हूँ मैं खाना खाए बाद। तो गाइस, आज हमने बनाए थे मलाई सिख बिरयानी संडे स्पेशल। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर कमेंट में बताओ। हमारे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो गाइस, है ना। और इसी के साथ में ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, तो अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापिस। चलिए फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।